नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सिर्फ ये तीन चीजें फॉलो कर लीजिए, आपका लटका हुआ पेट एक महीने के अंदर बिल्कुल सपाट हो जाएगा। एग्जैक्टली, चाहे आपका वो डिलीवरी के बाद का बड़ा हुआ टमी है या फिर नॉर्मली अगर आपकी जो बैड हैबिट्स हैं या आपका डेली का जो रूटीन है उसकी वजह से आपका पेट एकदम लटक गया है, आपकी तोल एकदम बाहर आ गई है। चाहे आप लड़के हैं, चाहे आप लड़की हैं, या आपकी एज अगर 60 साल की भी है, या आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते लेकिन अपने टमी को फ्लैट करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत 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 इफेक्टिव है। तो प्लीज इसको फॉलो करें। आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं तो बिना टाइम वेस्ट करें मैं कम टाइमिंग में आपको बेस्ट सॉल्यूशन दूंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमारा हैक नंबर 1 क्या है, हमें यूज करना है सरसों का तेल। जी हाँ, जब भी आप नहाते हैं तो अपने नहाने के जो बाथरूम है वहां पर एक शीशी में जरूर सरसों का तेल रखें। जो कच्चा सरसों का तेल होता है आपको उसको अपनी नेवल में लगाना है। अब नेवल में क्यों लगाना है वो जान लीजिए। नेवल में लगाने से क्या होता है, आपको कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। तो जो भी आप खाएंगे वो आपके पेट में से आपका जो भी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी, क्योंकि जिन लोगों को कब्ज बनती है उनको एसिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है, उनको खट्टी टिकानों की समस्या होती है, पेट फूलने की समस्या होती है, डाइजेशन वीक रहता है। तो जो सरसों का तेल है वो हमारी जो नाभि होती है, केंद्र बिंदु होती है पूरे शरीर का, जो आपके पूरे सिस्टम को बढ़िया तरीके से चलाती है। तो आप नोटिस करेंगे कि इससे आपका डाइजेशन बहुत बेहतर हो गया है, आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और जो भी खाते हैं आप प्रॉपर मॉर्निंग में अच्छे से फ्रेश पाते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि सरसों के तेल लगाने से जो आपके होंठ फटते हैं वो नेचुरली क्लीन रहेंगे, फटेंगे नहीं, आपको बार बार वैसलीन या कोई भी लिप ग्लॉस नहीं लगाना पड़ेगा। तीसरी चीज, इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत शाइनी रहेगी, क्योंकि जो हमारा नेवल होता है मैंने बताया ना पूरे बॉडी से रिलेट करता है। तो इस चीज का ध्यान रखेगा, आपको घुटनों का दर्द नहीं होगा, आपकी नसें अंदर से सूखेंगे नहीं, आपको गठिया की समस्या नहीं होगी अगर आप रोजाना इस चीज को फॉलो करेंगे कि नहाने के बाद सरसों का तेल लगाए और अगले दिन अपनी नेवल को अच्छे से क्लीन करें। हो सके तो रात को भी सरसों की 3-4 बूंदे डालें। अब डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने नेवल पे मसाज भी करनी है। मसाज कैसे करनी है, अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपने नेवल में 3-4 बूंदे डालनी है और अपने टमी को ऊपर की तरफ करते हुए मसाज करते रहना है। इससे क्या बेनिफिट होगा, जो आपका लटका हुआ पेट है ना उसकी मसल धीरे धीरे टाइट होने लगेंगी और वो फर्म होने लगेगा, मतलब जो उसमें ढीलापन आ गया वो उसमें कसाव आने लगेगा, खिंचने लगेगा वो पेट, ठीक है। और वो धीरे धीरे टमी आपका रिड्यूस भी होने लगेगा, क्योंकि आपका डाइजेशन बेहतर रहेगा तो आपका पेट लटकेगा नहीं, आपका फैट नहीं बढ़ेगा। अब बारी आ जाती है टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 क्या है, हमारा वज्र आसन। वज्र आसन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने बच्चे को, अगर वो 6 साल का या 5 साल का हो चुका है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही हैबिट बनाए, खुद भी हैबिट बना लें कि जैसे आपने खाना खाया है, खाना खाने के इमिजिएटली वॉक नहीं करना चाहिए, खाना खाते ही आप कम से कम 2 मिनट से लेकर 15 मिनट तक के टाइमिंग को इंक्रीज करिए। मतलब स्टार्टिंग में अगर आपसे नहीं बैठा जा रहा तो आप 2 मिनट बैठे, फिर उस टाइमिंग को ग्रेजुअली इंक्रीज करके 15 मिनट तक लेके जाएं, 15 मिनट आप वज्र आसन में बैठें, जहां भी आपका बेड है, मैट है, फर्श है, कहीं भी, जिसके लिए आप अपनी टांगों को पीछे की तरफ लेकर जाएं, अपने पैर का अंगूठा दूसरे पैर के अंगूठों पे रखें, एडी के बीच में स्पेस बनाकर अपने हिप को वहां पे प्लेस करें। अगर आपका बहुत ज्यादा घुटनों का दर्द है या आपका पेट बहुत बड़ा हुआ है, टांगों में दर्द रहती है, तो आप उनके बीच में तकिया रख के फिर ऊपर से आप बैठ सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जो आप खा रहे हैं वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट होगा खाना, ना कि फैट में। आप नोटिस करना कि एक महीना लगातार अगर आपने तीनों टाइम के खाने के बाद 5-5 मिनट भी वज्रासन कर लिया ना, तो मैं आपको 101% गारंटी देती हूँ कि आपका जो पेट है ना वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो करना है, प्लीज आज से फॉलो करें। बॉयज एंड गर्ल्स हर किसी के लिए मेरा वीडियो होता है, तो ये मत पूछा करें कि बॉयज कर सकते हैं, गर्ल्स या बच्चे कर सकते हैं, जरूर करें। अपनी बच्चों को भी, उनकी बॉडी को भी फ्लेक्सिबल बनाइए, मत सोचे बच्चों को लग जाएगी, पेन हो जाएगी, कुछ नहीं होता, बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब बारी आती है टिप नंबर 3 की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है हमारे घर में, जैसे कोई सिस्टर हुई है या प्रेग्नेंट या कोई रिलेटिव प्रेग्नेंट है, तो हमारे जो दादी नानी थे वो पहले क्या कहते थे, डिलीवरी के बाद आप ना क्या करना है, जैसी डिलीवरी हुई तो उसी दिन से दुपट्टा जो है अपने पेट पर लपेट के रखना है पूरा दिन टाइट करके। उससे क्या बेनिफिट होता है, हमारा पेट ना डिलीवरी के बाद लटक सा जाता है, तो वो लटका हुआ पेट अगर आप एक महीना इस दुपट्टा प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो वो अपनी जगह, मतलब वो लटका हुआ पेट भी बिल्कुल टाइट होने लगता है, फॉर्म होने लगता है, ठीक है, उसको फैलने की जगह नहीं मिलती तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वीज होने लगता है। तो यही प्रोसेस आपने फॉलो करना है, आपने एक दुपट्टा ले लेना है, सूती ले लीजिए क्योंकि रेशमी तो स्लिप होगा कोई भी दुपट्टा घर का, और टाइट उसको खींच के आपको अपने पेट पे बांधना है। लेकिन पेट पे बांधने से पहले आपको थोड़ा सा विक्स या आयोडेक्स लेना है, उससे अपने पेट पे मसाज करनी है जिससे आपको ज्यादा स्वेटिंग होगी, और उसके बाद आपको उस दुपट्टे को या तो अपने आप सूट के ऊपर लपेट लीजिए या डायरेक्टली टमी पे लपेट के ऊपर से आप कुर्ता पहन लीजिए। ऐसा आपको कब करना है, जैसे आप किचन में कोई काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
हैं या थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं छत पर, ये आपने अपने टाइमिंग देखना है कि कितना ज्यादा आप उसको अपने पेट पर बांध सकते हैं जितने ज्यादा टाइमिंग के लिए। गाइस ट्रस्ट मी, इतना ज्यादा इफेक्टिव है इसके लिए। आप जो टमी टकर जाते हैं, जो बेल्ट आती है ना टमी वाली, एक आती है, आप डिकैथलॉन से भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ, तो आप वहां से ले सकते हैं या ऑनलाइन इस तरह का रैपिंग पेपर मंगवा सकते हैं। तो ये ना क्या करता है, स्लिप नहीं होता बार बार, आपको बस बांध के रखना है पूरा दिन। विद इन अ मंथ आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा कि आपकी आपको अपनी आंखों पर यकीन होना बंद हो जाएगा कि मेरा पेट कहाँ गया। तो प्लीज मैं वो क्वेश्चन सुनना चाहती हूँ आपके, आपके वो एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ। तो एक महीने बाद मुझे ऑनेस्टी के साथ अपना सिटी नेम लिख के कमेंट जरूर करना कि आपने मेरी तीनों ट्रिक्स फॉलो करी तो क्या रिजल्ट रहा। ट्रस्ट मी बिल्कुल निराश मत होइए, ये तीनों ट्रिक्स फॉलो करिए और आप अपना ड्रीम फिजिक पा सकते हैं, अपने लटके हुए पेट से निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही खूबसूरत प्यार देते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।